देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के नए रूप यानी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आज 8 और नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस खतरनाक वायरस को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो कल उनके द्वारा ओमिक्रॉन को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई और कुछ अहम फैसले भी किए गए। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में ओमिक्रॉन वायरस के रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर कल यानी सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी, जिस पर इस वायरस को लेकर मंथन भी किया गया था कि कैसे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी सक्रिय मामलों को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजने का फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को और सुधारा जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 99% लोगों को पहली डोज दे दी गई है, 70% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। जो लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत है। ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। केंद्र सरकार से अपील है कि बूस्टर डोज की मंजूरी दी जाए। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 107 नए केस दर्ज किए गए। यह 6 महीने में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा केस थे। इससे पहले दिल्ली में 25 जून को 115 केस दर्ज किए गए थे, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा थे। दिल्ली में रविवार को टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी 0.17% रहा, जो 6 महीने में सबसे ज्यादा है। नवंबर के अंत तक दिल्ली में रोजाना करीब 30 से 40 मामले दर्ज हो रहे थे। हालांकि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में केस और पॉजिटिविटी रेट दोनों बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में अब ओमिक्रॉन मामलों की कुल संख्या 24 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 12 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 12 का इलाज अभी जारी है। और अब देश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 170 हो गई है। दिल्ली कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि कोरोना काल में मिल रहे मुफ्त राशन को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये राशन 31 मई तक दिया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली और देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट इसलिए भी चिंता बढ़ाता है क्योंकि इसके ज्यादातर मरीजों में कोई लक्षण नहीं होता। ऐसे में संक्रमण के और तेजी से फैलने की आशंका है, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के लिए सरकार ने 5 नए सेंटर बनाए हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल में सिर्फ एक LNJP है और बाकी 4 प्राइवेट है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार चैनल। धन्यवाद।